पंडित जी प्यार जी और हमारे संजय जी बड़े पुराने हैं हमारे कई बार हमारा भागवत में आ रहा है और मेरे सामने खड़े बैठे माताएं बहनें और मेरे साथी युवा दोस्त मेरे बुज, मैं आपके चरणों में श्री शिवा के नमन करता हूँ। आज मुझे महसूस हो रहा है कि लगभग वो नाराज होंगे, बहुत लोग नाराज होंगे कि काफी दिन में दिखाई दिया है, लेकिन आज सौभाग्य का विषय है और आपको पता है कि स्वास्थ्य खराब रहो 3-4 महीने और उधर आपने एमएलए को चुनाव करा दो 6 महीने आगे पाए बना कर दिया आने के लिए रोक लगा दी, तो मैं तो जैसे पिंजरे में कंप्यूटर को पंख मार के डाल देते ऐसे पड़ा था। ये मत सोचो कि आप सिर्फ चुनाव जीत गए और आप सबके आशीर्वाद और आप सब चुनाव जीते, मैं तो आपका सेवक पहले भी था आज भी हूँ और जिन्होंने वोट सपोर्ट सहयोग किया आज मेरे चुनाव में, मैं तो आजीवन उनका रिव्यूअर फिर ही रखूंगा। कोई ये ना समझा कि राजनीति को हमने नेता बना दिया भूल गया, ईश्वर परमात्मा करें या जी मेरी ऐसी कोई बुद्धि ना करे जो मैं आपको छोड़ जाऊँ, मेरे पर तो आप अपने इतने एहसान करती है कि मैं मर शायद मरूँ तो तब भी मुझे यह है कि मैं तुम्हारा कर्ज ना चाहता हूँ। देखो आज श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है, मेरा सभी माता बहनों से विनम्र निवेदन है कि श्रीमद भागवत कथा का आरंभ होने पर हमको अच्छी अच्छी नई नई बातें हमारे साथ श्री व्यास जी सुनाएंगे आपको। तो एक बार रोज अपने जीवन में अच्छी सोच के रह जाना और उस बात को धारण करना तो हमारा कथा व्यास सुनने का लाभ है, अन्यथा बेकार है। अगर हमने कुछ अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया, अगर कोई बात धारण नहीं की तो हमारा कथा व्यास बनाने का सुनने का बिल्कुल विवर नहीं करता। अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द भी ना है, मेरे तो अगर मेरा परिवार है मैं आपके चरणों में क्या करूँ, मुझे तो आपने इतना एहसान कर दिया मेरे ऊपर कि मैं कभी ना भूलूंगा। और कभी भी कोई भी मेरी माता बहन है भाई बुजुर्ग समझे बदल गया है भूल गया है, मैं कभी ना आज भूला हूँ ना कल भूला था ना कल भूलूंगा। जितना भी जो भी सहयोग सेवा होगी मेरी मजबूरी रही है स्वास्थ्य खराब होने की, नाम में बाधा आने की, मैं आपके बीच में जैसे पहले आता था पहले आपके दुख